क्राफ्ट वर्क में हमें आज कागज से कुछ ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कुछ एक्टिविटी तैयार करना है। क्राफ्ट वर्क में क्राफ्ट मीन्स कागज काम, उसको ही कार्यानुभव भी हम कह सकते हैं। यह है कागज, कलरफुल पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का कागज है। इससे हम एक बड़ा सा फ्लावर हम बनाएंगे। यह तो साइज है, रेक्टेंगल का साइज है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को पहले हम स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह। ये हो गया ट्रायंगल, यहां पर मोड़ देंगे और यहां एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो कट करके बाजू को निकालेंगे, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, ये बन गया स्क्वायर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मोड़ दिया और एक मोड़ लेना है, बीचों बीच फोल्ड करना है और एक फोल्ड करेंगे। यहाँ सेंटर है, कागज का सेंटर यहाँ पर है, देखिए। ओके ओके, देख लीजिए अच्छी तरह से, इस तरह। उसके बाद इसी सेंटर के पास और एक दफा फोल्ड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद बस फोल्डिंग वर्क अभी बस हो गया। अभी आप क्या करना है, पेन ले लो या फिर पेंसिल ले लो। यहाँ पर फ्लावर, हमें एक फ्लावर हमें बनाना है। ये फ्लावर का पेटल हो गया, फिर पेटल आप ऐसा राउंड शेप में कट कर सकते हो। राउंड शेप में कट करेंगे इसलिए यहाँ पर हाफ राउंड सेमी सर्कल ले लेंगे, इस तरह। पेन से या फिर पेंसिल से आप ड्रॉ करो। ये आई बात समझ में? उसी के साथ हमें क्या करना है, ये पूरा कट करके लेना है। फोल्ड कैसे किया था फिर से एक दफा देख लीजिएगा, इस तरह हमें फोल्ड, हमने इस तरह फोल्ड किया था। उसके बाद सेमी सर्कल बनाया। उसके बाद कैंची लेकर, सीजर लेकर हमें यह कट करके बाजू को निकालना है। धीरे से करना है, कहीं गलती से उंगली अंदर ना जाने पाए। दिख रहा है सभी को? अच्छी बात है, ये हो गया कट। फिर इसको हम ओपन करेंगे, ये देख लीजिएगा, सभी पेटल्स एट ए टाइम कट होकर सामने आ गए। ये बन गया लाइट पिंक कलर का बड़ा फ्लावर, अच्छी बात है ना। हाँ बच्चों, तो फिर बच्चों यह बन गया लाइट पिंक कलर का फ्लावर। आप कौन सा भी कलर यूज कर सकते हो। उसी के साथ हमारे पास यदि ऐसे प्लेन कलर वाले पेपर ना हो तो हम, हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है या फिर मैगजीन लेना है। मैगजीन का पेपर देखकर उसमें से कलर वाले पेपर हमें कैंची से या फिर हाथ से कट करके लेने हैं। यह मैं ब्लू वाला पेपर कट करके लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर में कट करो या फिर सर्कल में कट करो, चलेगा। यह मैं क्या करूँगा, अभी सर्कल में कट कर करके लेता हूँ, सर्कल शेप में कट करके लेता हूँ। ये मैंने कट करके ले लिया। ओके, इसको बीचों बीच फोल्ड कर देंगे, इस तरह, इस तरह और यहाँ इस तरह, ठीक उसी तरह। फिर यहाँ पर हमें सेमी सर्कल या फिर ऐसे एंगल में कट करके लेना है। यह बन गया एक पेटल का शेप। फिर ओपन करो, बहुत सारे पेटल्स बाहर निकल आएंगे और सेमी सर्कल, और ये बन गया सर्कल वाला फ्लावर। अच्छी बात है कि नहीं। इस तरह आप बना सकते हो, इसको छोटा भी बना सकते हैं या फिर बड़ा भी बना सकते हैं, और ऐसे वाले बहुत सारे आप बना सकते हो, ठीक है। कट कर, यहाँ न्यूज़पेपर है, यहाँ पर रेड कागज हमें मिल गया है। हम अब इसे क्या करेंगे, कट करके ले लेंगे। सीजर से कट करो या फिर हाथ से भी कट करके दिया तो भी चलेगा। यहाँ हमने कट करके लिया, हमें चाहिए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर चाहिए ना, ये ले लिया स्क्वायर।
स्क्वायर शेप ले लिया, ठीक है। इसको हमें क्या बनाना है, फ्लावर ही बनाना है, इसलिए सर्कल शेप में कट करके लिया तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। ये ट्रायंगल में फोल्ड किया। सबसे पहले आपको अच्छा नजर आने के लिए क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से स्क्वायर में कट करके ले लेंगे, यानी कि आपको समझ में आएगा। इसे हमें क्या करना है, फ्लावर ही बनाना है या फिर सर्कल शेप बना दो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आया तो भी चलेगा बाद में सर्कल, तो फ्लावर बनाने के बाद अच्छी तरह से वो खुद ब खुद आ जाएगा। कागज के नीचे से उंगली सीजर में ना जाने पाए। ओके, ये बन गया सर्कल, इसको फोल्ड करेंगे। सेमी सर्कल में फोल्ड किया, फिर इस तरह यह क्या बनेगा, यह बनेगा फ्लावर का सेंटर, देख लीजिए। यह बड़ा पैटर्न, फिर और छोटा पैटर्न, फ्लावर का सेंटर कहां पर है, यहां पर नहीं है फ्लावर का सेंटर, यहां पर फ्लावर का सेंटर है। फ्लावर का सेंटर के सामने वाले हिस्से को हमें पैटर्न में कन्वर्ट करना है। पेंसिल से या फिर पेन से आप पहले ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने इस तरह एंगल वाला पेटल ड्रॉ किया, फिर सीजर से कट करेंगे। हो गया, ये देख लीजिए बन गया ना। अभी ये व्हाइट पेपर पर दिखाई दिया तो अच्छा दिखेगा, ये देख लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप फ्लावर्स अलग अलग कलर के बनाकर हमें डेकोरेशन के लिए यूजेबल हो सकते हैं, हम डेकोरेशन के लिए ये सभी यूज कर सकते हैं। आप घर में बनाएंगे ना, ओके, अच्छी बात है।